बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन की थी वो थी अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। दो लेक्चर थे हमारे इसके ऊपर। अब बैठे हमारे पास आ गए नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स, मतलब ऐसे कंपाउंड्स का जिनके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। तो बेटे एक चीज तो ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा वहाँ पे ई एन ई अल्कीन, मतलब ई एन ई, ये लफ्ज लाजमी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले अल्केन्स के अंदर नाम लिखते थे मैथ, मतलब एक कार्बन, और आगे आप एन लगाते थे सिंगल कंपाउंड बन जाता, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला हमारे कंपाउंड बन जाता था। यहाँ पे आएगा ई एन ई, मीथीन। ठीक है, बेसिकली हमारे पास मीथीन होता ही नहीं है, क्योंकि एक कार्बन आपस में कैसे डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो हमारे पास लाइन है ये स्टार्ट होती है बेटे हमारे पास ईथीन से, दो कार्बन वाले से। तो एथ से याद रखें, एथ आपके पास दो को शो करता है, और आगे ई एन ई आप बनाएंगे तो वो ऐसे दो कार्बन वाले कंपाउंड को शो कर रहा है जिसमें हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। बाकी बेटे आप हाइड्रोजन पूरे कर लें। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट आपके लिए अल्कीन है। सिमिलरली बेटे अगर हमारे पास तीन कार्बन वाला आ जाएगा कंपाउंड, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड ड्रॉप। ठीक है, और अगर इसमें कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसके एंड पे क्या लगना है, फिर ई एन ई ना के ए एन ई, क्योंकि वो लगता है हमारे पास सिंगल बॉन्ड के लिए। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फिर डेफिनेटली हम नोमेनक्लेचर करने से काबिल हैं। तो बेटे रूल स्टार्ट करते हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान होगा क्योंकि आपने अल्केन के रूल्स पढ़ लिए हैं। तो देखिए बेटे, रूल नंबर वन हमारे पास ये कहता है, वही सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपने क्या करनी है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। लेकिन बेटे एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है, आपने वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है विच कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि आप अल्कीन्स की बात कर रहे हैं। तो आपको ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड लाजम हो। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, एक दो तीन चार। फॉर एग्जांपल बेटे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी रैंडमली मैं उठा रहा हूँ और इसको लिख रहा हूँ सी एच थ्री। यहाँ पर तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो एक चार, यहाँ पे चार बने हैं, यहाँ पे तीन और यहाँ पे तीन। ये कंपाउंड है, मुझे इसका नाम रखना है, उसके अंदर एक डबल बॉन्ड भी है, सिलेक्ट कर लॉन्गेस्ट चेन। ओके, लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड लाजमी आना चाहिए, ये एक नई चीज है। देखें, वन टू थ्री फोर, चार की चेन बन रही है। ओके, वन टू थ्री फोर, चार की चेन बन रही है। ओके, आप ऐसे नहीं गिन सकते वन टू थ्री, क्योंकि इसके अंदर तो डबल बॉन्ड आ ही नहीं रहा। आपने डबल बॉन्ड क्रॉस करके ही गिनना है, वरना नहीं गिनना। तो बेटे आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, तो मतलब वन टू थ्री फोर, यही हमारे पास चेन बन रही है, आप उसको लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे। ओके, अब उसके बाद बेटे हमारे पास स्टार्ट, साथ ही रूल नंबर टू स्टार्ट हो जाता है कि नंबर द लॉन्गेस्ट चेन, कि नंबर करें चेन को। पहले हमने ये पढ़ा कि नंबर करें उस साइड से जहाँ पे आपको सबसे चेंट करीब पड़ता है, लेकिन बेटे यहाँ पे आपने नंबरिंग उस साइड से करनी है जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड नियर पड़े, करीब पड़े। ओके, मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमें डबल बॉन्ड करीब पड़े। फॉर एग्जाम्पल, वन टू, फॉर एग्जाम्पल वन टू, दोनों तरफ से सेकेंड पोजिशन पे पड़ रहा है। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, आप लोग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबरिंग ऐसे करते हैं वन टू थ्री फोर, तो इसका नाम इस हिसाब से हमारे पास क्या बनेगा, इस हिसाब से हमारे पास जिसका नाम बनेगा वो होगा चार कार्बन वाली है, तो इसका नाम होगा हमारे पास ब्यूटेन। ठीक है, और थ्री पोजीशन पे मिथाइल अटैच, इसका नाम होगा थ्री मिथाइल ब्यूटेन। सिंपल तो आपने अभी तक ही पढ़ा। ठीक है, लेकिन बेटे हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, अगर डबल बॉन्ड के साथ सब्स्टिट्यूएंट भी हो ना, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो गया, फिर आप नंबरिंग करेंगे इस साइड से स्टार्ट, वरना आपने नॉर्मल कंडीशन में डबल बॉन्ड को ही मद्देनजर रखना है। तो ये नाम तो गलत हो गया, ये नाम ही रखा जा सकता। तो बेटे आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इस साइड से। नहीं समझ आती, मैं सिंपल एग्जांपल आपको दे दूंगा, वन टू थ्री फोर। तो ये आपकी सीधी नंबरिंग है जिसमें डबल बॉन्ड भी पहले नंबर पे आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट का भी थोड़ा बहुत हमने ध्यान रखा है। तो है वो चार कार्बन, तो चार कार्बन वाले को हम बोलेंगे ब्यूट चार, ई एन ई मतलब डबल बॉन्ड वाली हमारे पास चेन है, तो इसका नाम हो गया ब्यूटीन। बेटे यहाँ पे सारे रूल मर्ज ही है, रूल नंबर थ्री भी आ जाता है कि आपने पोजीशन शो करनी है डबल बॉन्ड की भी। ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन शो करनी है,
और इसके अलावा बेटे आपने पोजीशन शो करनी है सब्सिट्यूएंट के लिए, तो सारे रूल तकरीबन कंफ्यूज हैं दूसरे के साथ मिले हुए हैं मर्ज है। तो चार कार्बन की चेन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट होता है बेटे, उसकी पोजीशन को भी शो करना है, मतलब हम सिर्फ ब्यूटेन ही लिखेंगे। चार कार्बन वाली चेन है कहाँ पे डबल बॉन्ड है हमें कैसे पता चलेगा, वो हम पोजीशन शो करेंगे डबल बॉन्ड की तो पता चलेगा ना। तो यहाँ से देखिए डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, टू से, तो इसका नाम फिर क्या लिखेंगे हम, टू ब्यूटीन। क्या नाम लिखेंगे, टू ब्यूटीन। ओके हो गया। अब बेटे ये हमारे पास पेरेंट नाम पूरा हो गया पेरेंट चेन का, जैसे कि हम पहले करते हैं। आप सब्स्टिट्यूएंट की बारी है कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन फाइंड करो, कौन सी पोजीशन है, टू, तो आपने टू लिख दिया, और है कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल। तो बेटे इस कंपाउंड का पूरा नाम होगा टू मिथाइल टू ब्यूटीन। क्या आपके पास टू ब्यूटीन है, मतलब चार कार्बन वाली आपके पास डबल बॉन्ड वाली चेन है, और डबल बॉन्ड कहाँ का, सेकंड पोजीशन पे, और उसकी सेकंड पोजीशन पे ही मिथाइल के ऊपर अटैच है। तो ये सारे रूल बेटे इकट्ठे ही हमारे पास आ जाते हैं, हम इसको सेपरेटली भी कर सकते हैं, और एग्जाम्पल देता हूँ उससे आपको ये बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नई चीज़ें जो यहाँ पे आई हैं वो ये हैं कि आपने डबल बॉन्ड वाली चेन सेलेक्ट करनी है, और इसके साथ साथ आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन भी शो करनी है। एक और एग्जाम्पल करते हैं हमें और क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम्पल बेटे कोई भी हम कहने के चीज कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, और मतलब ये कंपाउंड ले लेते हैं, और ये आ गया हमारे पास है डबल बॉन्ड, मैं हाइड्रोजन पूरे कर दूं इसके, तो ये हमारे पास हो गया जी कंपाउंड है बेटे। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, तो अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन देखूं यहाँ पे तो यही बनती है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब छह की चेन है। तो फॉर एग्जाम्पल बेटे मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्ट्रेट चेन है, तो ये मेरे पास छह कार्बन की चेन बन गई, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, छह कार्बन वाली चेन का, हेक्सेन, डेफिनेटली सॉरी हेक्सेन ही होगा, हेक्सीन होगा, एंड पे ई एन ई आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है चेन के अंदर। अब बेटे आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करनी है, जहाँ पे डबल बॉन्ड करीब पड़े, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो वन पे पड़ रहा है, तो डेफिनेटली यही हमारे पास करीब, ऐसे ज़्यादा करीब कुछ नहीं हो सकता, तो ये हम नंबरिंग की साइड से स्टार्ट करेंगे। उस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 5 पोजीशन पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। ओके, अभी पेरेंट का नाम पूरा नहीं हुआ हमारा, अभी तक सिर्फ हमने कार्बन की चेन की लेंथ बताई है। अब बेटे हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन भी तो बतानी है, डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पोजीशन नंबर 1 पे, तो आप लिखेंगे 1 हेक्सीन। अच्छा 1 हेक्सीन लिखें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम नॉर्मली 1 को लिखते ही नहीं, तो लिखने तो अच्छी बात है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 हेक्सीन। बाकी बेटे रूल सेम है कि आपने सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन को शो करना है, और अगर एक जैसे हैं तो उनके लिए डाई ट्राई प्रीफिक्सेस यूज करनी है उनका नंबर शो करके। तो कौन कौन की पोजीशन पे अटैच है, मिथाइल 3 पोजीशन पे, तो आएगा 3, 5 पोजीशन पे तो 5, आगे फिर क्या आ जाएगा, डाई मतलब 2, और क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, जैसे ये देखें एक ये में अटैच है, एक ये अटैच है, तो उसका नाम हो जाएगा 2 3 5 डाई मिथाइल 1 हेक्सीन। तो ये सेम है जैसा कि हम एल्केन्स का करते थे, बस थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेस आई हैं, बस आपने कुछ चेंजेस का ध्यान रखना है। मैं एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट रूल है उसकी तरफ जाते हैं और इसको एंड करते हैं। चलिए मैं अब आपकी कोई बुक से एग्जाम्पल कोट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेटे आपके रूल नंबर 4 के अंदर एक एग्जाम्पल है मेरे पास, 2 5 5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन। ओके, इसको देख लेते हैं ये क्या है। छह कार्बन की चेन है, नाम से पता चल जाता है 2 पे अटैच है, और फॉर एग्जाम्पल चलिए कुछ भी मैं आपको कोई और एग्जाम्पल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, जो मर्जी एग्जाम्पल कर लें, रैंडमली लिखी गई है इसी को देख लेते हैं ये क्या है। कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दो, फॉर एग्जाम्पल बेटे मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूँ यहाँ पे मेरी मर्जी, तो ये कोई भी एग्जाम्पल हमारे पास बन फॉर बुक वाली एग्जाम्पल आप ही करेंगे क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस के लिए लास्ट में, ये कोई नई एग्जाम्पल दे देते हैं। अब इस एग्जाम्पल में बेटे सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द डबल बॉन्ड, सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2, इसको हम चेन ही कंसीडर करेंगे, 1 2 3 नहीं गिन नहीं सकते क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है इसमें, तो डबल बॉन्ड वाली चेन गिनिए 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो 6 की चेन मान ली है लॉन्गेस्ट, तो कोई भी सिलेक्ट करने को आता तो मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये हमारे पास कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होती है और इसका नाम बेटे हमारे पास है, मैं इधर लिख देता हूं, इसका नाम हमारे पास हो जाएगा हेक्सीन, 6 कार्बन वाली चेन है। अब इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, जिस साइड पे हमारे पास क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट जो है सॉरी डबल बॉन्ड जो है बेटे वो हमें क्या पड़े करीब पड़े, हम उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ओके चलिए देख लेते हैं। अच्छा मैं ना आपकी बुक वाली एग्जांपल देख रहा था, आप उसको कर लें, इसमें थोड़ा सा एक और रूल आ जाता है, तो इसलिए आप इसको ऐसे ही कर लें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब हम उसी को कर लेते हैं, ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो बेटे अगर इसमें देखें तो हमारे पास नंबरिंग को साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड करीब पड़ता है। तो अगर आप इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 फोर पोजीशन पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 थ्री पोजीशन पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 और ये होगी 6, ठीक है। लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड कौन सी है, 2, पहले वाला नंबर लेना है दूसरे वाला नंबर नहीं लेना, तो पहले आए डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट हो तो वो है पोजीशन 2, जिसका नाम क्या हो जाएगा पेरेंट चेन का 2-hexene। अच्छा चेन का तो नाम लिख दिया बेटे, अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट बच गए 1 2 और 3, 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, मतलब तो मैं ऊपर लिखना होगा कौन कौन सी पोजीशन पे, 2 पे 5 पे और फिर 5 पे, तो हो जाएगा 2 5 5, 3 है तो ट्राई क्या अटैच है मिथाइल, आपने एक लाइन लिखना है 2 5 5 ट्राई मिथाइल 2-hexene इसका नेम हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेटे बेसिक रूल हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें बार बार, इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन आप एक इम्पॉर्टेंट तीन पॉइंट जो कि मेन पॉइंट है मुझे, तो आप लोग खुद ही आराम से कर लेंगे, वो पॉइंट क्या है उसको देख सकते हैं। वो ये है कि अगर अगर फॉर एग्जाम्पल कार्बन की चेन है मेरे पास, चलिए इसको ही 4-5 के लिए देते हैं जी, इसमें हमारे पास 2 डबल बॉन्ड आ गए कार्बन कार्बन हाइड्रोजन पूरे कर लें, अगर किसी कार्बन की चेन के अंदर 2 डबल बॉन्ड आ जाए जो कि पॉसिबल है आ सकते हैं, फिर आप क्या करेंगे। अच्छा चेन को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यही लॉन्गेस्ट चेन है और 5 कार्बन वाली, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ पेंटीन। अब यहाँ पर बेटे एक कॉन्सेप्ट है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, देखो याद रखो ये बात, मैंने जब स्टार्ट किया ना मैंने कहा 3 जो है ना ये लफ्ज ये डबल बॉन्ड को शो करता है, ठीक है। ऐसे पहले नंबर कर ले फिर सिर्फ आते हैं नंबरिंग की साइड से स्टार्ट करें, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है 3 पड़ेगा, इधर से 3 पड़ रहा है, इधर से ये 2 पोजिशन पे आ रहा है तो 1 पे आ रहा है, कोई भी डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है मेरे पास, एक आ रही है पोजीशन 1 और एक हमारे पास डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है 3, तो 1-3 पोजीशन आ रही है डबल बॉन्ड की। तो अब बेटे याद रखिएगा अगर आप ऐसा लिख देंगे ना 1-3-di, आपके जहन में ही आ रहा होगा कि 1-3-di मतलब 2 है ना इसलिए पेंटीन लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये पेंटीन मतलब 5 कार्बन वाले की डबल है, पेंट का मतलब तो 5 ही है ना, तो मतलब आप ऐसे नाम नहीं रख सकते, आपको क्या करना है बेटे जो चीज डबल है उसको शो करना है डबल, मतलब आपके लिए डबल बॉन्ड डबल है ना, ये डबल बॉन्ड 2 आ रहे हैं ना, तो आपको लिखना चाहिए 1-3-di-3, डाई मतलब 2, ई क्या डबल बॉन्ड, और आपको पेंट के पहले लिख लेना चाहिए, तो इसका नाम क्या लिखना चाहिए आपको पेंट 1-3-di-3, समझ आ गई बात की। तो मतलब हमारे पास हमें बेटे ये जो चीज है ना कार्बन की नंबर आपने इसको पहले लिख लेना है और उसके बाद आपने डबल बॉन्ड की अमाउंट को शो करना है विद पोजीशन, तो इसका फिर नाम क्या होगा पेंट 1-3-di-3, समझ आ गई बात की। इसका एक और तरीका भी है, इसकी आखिरी एग्जांपल करते हैं और ये आपके रिजल्ट हो जाएंगे, तो मसला होगा बेटे डिस्कस कर लेंगे लाइव सेशन में। फॉर एग्जाम्पल
एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर तीन डबल बॉन्ड मैंने मेंशन किए हैं, एक दो और ये तीन। लोकेशन सिलेक्टेड है, सिंपल रखता हूँ, तीन पाँच छः और सात, सात की चेन है आपके पास, ठीक है। तो इसका नाम आपके पास आ जाएगा हेप्ट, मैं सिर्फ हेप्ट लिखता हूँ या हेप्टा लिख लें, कोई मसला नहीं। तो हेप्टा शो करता है सेवन कार्बन की चेन को। ओके बेटे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड करीब पड़ेगा, तो यहाँ पर पड़ा है वन टू, सेकेंड पोजिशन पर यहाँ पर पड़ा है वन टू। लेकिन फिर वही रूल आ गया कि अगर दो साइड पे कोई चीज़ सेम हो, आप इसको सब्स्टिट्यूशन कंसिडर करें, तो आपने डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मैं लिखता हूँ तो टू और थ्री डिफरेंस आएगा, इनके दरमियान वन का, और इधर डिफरेंस बनेगा टू और क्या लें फोर का, तो डिफरेंस आएगा टू, वो पुराने वाला जो अल्केन में पड़ा था। तो मतलब आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बेटे कौन सी साइड से, इस वाली साइड से, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। तो बेटे आपको सिर्फ पोजीशन शो करनी है डबल बॉन्ड की, कौन कौन सी पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, एक टू से स्टार्ट हो रहा है, एक पोजीशन नंबर थ्री पे स्टार्ट हो रहा है, और एक पोजीशन नंबर फाइव से स्टार्ट हो रहा है। तो टू थ्री फाइव हेप्टा, कितने हैं डबल बॉन्ड, तीन, तो ट्राई तीन, ट्राई मतलब तीन, तीन मतलब डबल बॉन्ड। तो आप इसका नाम ऐसे लिख सकते हैं टू थ्री फाइव हेप्टा ट्राई, या दूसरा मतलब क्या था, मैंने जो आपको बताया था वो क्या था, वो था हेप्टा, ठीक है। उसके बाद आप पोजीशन शो करें टू थ्री फाइव ट्राई मतलब तीन, तीन का मतलब डबल बॉन्ड। तो बेटे बहुत सारे मेथड हैं जिनके जरिए से आप नाम रख सकते हैं, दिस इज द वन ऑफ देम। सो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। तब के लिए बेटे थैंक यू और अल्लाह।